तो आप भी मिनोक्सीडिल का इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं और साइड इफेक्ट्स को लेकर थोड़े से असमंजस में हैं, तो चलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए जिससे आपके सारे डाउट साइड इफेक्ट्स को लेकर क्लियर हो जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता एंड आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं मिनोक्सीडिल के साइड इफेक्ट्स की। तो पहला साइड इफेक्ट जो मिनोक्सीडिल के साथ देखने में आता है वो होता है इरिटेशन, बर्निंग। तो मिनोक्सीडिल जो है आपको रेडनेस, इरिटेशन, कभी कभी स्वेलिंग, ये सब कर सकता है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे लोग अक्सर मिनोक्सीडिल के अल्कोहल कंटेंट को रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे केसेस में अगर अल्कोहल फ्री मिनोक्सीडिल यूज़ किए जाएं, तो वो प्रिपरेशंस हो सकता है आपको इरिटेशन ना दें। एक बार इस्तेमाल करने पर अगर इरिटेशन होती है तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। एक बार कुछ समय के बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं, पर अगर इरिटेशन दोबारा होती है तो इसका मतलब मिनोक्सीडिल आपके लिए नहीं है। दूसरा साइड इफेक्ट जो मिनोक्सीडिल के साथ आपको देखने को मिल सकता है वो है सीवियर हेयर लॉस। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जब आप मिनोक्सीडिल शुरू करते हैं इस्तेमाल करना तो इनिशियल फेज़ में आपको हेयर लॉस हो सकता है, जिसमें कि आपके बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं और ऐसा अक्सर 1 या 2 महीने तक हो सकता है। और यही वो समय होता है जब ज़्यादातर लोग इस दवा को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो जितने भी मरीज़ हमारे पास आते हैं इस दौरान वो अक्सर ये गलती करते हैं, बट इसका इफ़ेक्ट आना शुरू जनरली 2nd मंथ के बाद होता है और फिर इफ़ेक्ट बढ़ता चला जाता है, इम्प्रूव होता रहता है। इसके अलावा मिनोक्सीडिल का एक और साइड इफ़ेक्ट जो हो सकता है वो हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, जो कि बहुत रेयर है। ये वैसे तो एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बनी, और कुछ लोगों में बहुत रेयर केस स्टडीज़ हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि मिनोक्सीडिल के वजह से हार्ट रेट थोड़ा बढ़ गया, टैकीकार्डिया हो गया या कुछ अरिथमियाज हुए। तो ये थोड़ा रेयर है, हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा कुछ खास देखा नहीं है। एक और प्रॉब्लम जो मिनोक्सीडिल के साथ हो सकती है वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। ऐसे स्टडीज़ कोई सेफ्टी वाइज प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान नहीं है अभी। इसके अलावा एक और साइड इफ़ेक्ट जो रहता है वो हाइपरट्राइकोसिस, कुछ एक्स्ट्रा फेशियल हेयर ग्रोथ आपको आ सकता है, जो कि अक्सर फोरहेड पर या चेहरे पर इधर इन एरियाज़ में देखने को आपको मिल सकता है। अक्सर ऐसा फीमेल्स में ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है और यूजली ये स्वेट के साथ नीचे जब आ जाता है या आप जब टच करते हैं लगाने के बाद, तो उसके वजह से ये हो सकता है, और दवा को छोड़ने पर ये रिवर्स भी हो जाता है। बट यही दवा को छोड़ने पर मिनोक्सीडिल का इफ़ेक्ट भी रिवर्स हो जाता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो यही है, इसका साइड इफ़ेक्ट कह लें आप इसको या कुछ भी, कि जब आप इसको लगाना बंद करते हैं तो आपके हेयर लॉस प्रेसिपिटेट होता है, वो बाल जो दवा की वजह से हो गए थे ये गिर जाएंगे, और इनफैक्ट जो बाल आपके थोड़ा एक्स्ट्रा बाल भी गिर सकते हैं, क्योंकि रिबाउंड कई भी दफ़ा ज़्यादा सीवियर होता है जितनी रीग्रोथ आई थी उससे ज़्यादा। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो देखने में मिनोक्सीडिल के साथ आ सकती है वो है टॉलरेंस। आप देखेंगे कि दवाई को लगातार इस्तेमाल करते रहने पर कोई भी दवा हो उसके असर बॉडी पर आने कम हो जाते हैं, इसको टॉलरेंस कहते हैं। इसी वजह से मिनोक्सीडिल अब आप पाएंगे कि 2% 5% जो USFDA अप्रूव्ड स्ट्रेंथ्स हैं उसके अलावा ये हायर स्ट्रेंथ्स में भी अब मिलने लगा है, 10% 12.5% एंड 15%। तो ये हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते, आई डोंट फाइंड इट यूज़फुल 10% और ये सब स्ट्रेंथ्स यूज़ नहीं करने चाहिए। इसके डिटेल में और जानना चाहेंगे तो आपको एक वीडियो के लिंक दिए गए हैं, मिनोक्सीडिल से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इन वीडियोज़ में मिलेगी। और दूसरी दवा फिनेस्ट्राइड होती है मिनोक्सीडिल के अलावा, अगर उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो फिर लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा। अगर आप एक और प्रॉब्लम जो मिनोक्सीडिल के साथ देखने में आती है वो होती है कभी कभी ये काम ही नहीं करता, तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मिनोक्सीडिल का मिनोक्सीडिल सल्फेट होता है जो एक एंजाइम से कन्वर्ट होता है। यदि ये एंजाइम यहाँ नहीं है लोकल एरिया में, तो उस सिचुएशन में
मिनोक्सिडिल आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ऐसे मरीज में ओरल मिनोक्सिडिल डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गट में ये एंजाइम रहता है जिसकी वजह से वहाँ ये कन्वर्जन ईजिली हो जाएगा और एक्टिव इन्ग्रेडियंट आपके बालों में काम कर सकता है। ओरल मिनोक्सिडिल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें, आपको इट विल हेल्प यू। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें आंसर करके खुशी होगी। और यदि आपका कोई भी एक्सपीरियंस मिनोक्सिडिल के साथ रहा है तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ब्लॉग्स को आप पढ़ सकते हैं, सत्या हेयर सॉल्यूशंस पर जाकर वेबसाइट पर बहुत सारे आपको डिटेल्स मिलेंगे, ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ आपका धन्यवाद, शुक्रिया, शपथ खैर।